जहानाबाद में महिला के साथ मारपीट और निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद पुलिस पर तो सवाल खड़े ही हुए हैं, सूबे की कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ी चोट है। जिस तरह पुलिस के सामने ही महिला को मारपीट के बाद निर्वस्त्र किया गया, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक घिनौना धब्बा है। ये घटना उस समाज के मुंह पर भी तमाचा है जो खुद को नैतिकता का परोकार समझती है। ये घटना उस समाज को शर्मसार करती है जो नैतिकता के लबादे में खुद को सुरक्षित समझती है। खैर, मामले ने तूल पकड़ा तो सूबे की सियासत में भी उबाल आ गया। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने मांझी सरकार पर हमला बोल दिया। जहानाबाद के बारे में जो कुछ मैंने टीवी पर देखा है बहुत शर्मनाक है, और तत्काल सरकार को वैसे पुलिस अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए जिनकी उपस्थिति में जिनके सामने उस महिला को निर्वस्त्र करके और उसको बेइज्जत किया गया। कोई व्यक्ति कुछ भी हो लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, और वो भी जहाँ तक किसी महिला का प्रश्न पैदा होता है तो महिला को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करके उसको और बेइज्जत किया जाए यह किसी को अधिकार नहीं है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने सरकार पर इतने सियासी तीर चलाए कि खुद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बचाव के लिए बाहर निकलना पड़ा। ये बहुत ही शर्म की बात है, और जिन्होंने ऐसा काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यदि वहाँ पर पुलिस भी खड़ी वो देख रही है, यदि साबित हो जाता है कि वहाँ पर पुलिस खड़ी है और पुलिस के सामने ऐसा काम हो रहा है तो वो पुलिस को भी हम लोग चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी उसकी सजा मिलनी चाहिए। जहानाबाद में अलीपुर के शक्ति बिघा गाँव में इस महिला के साथ जो हुआ वो बेशर्मी की इंतहा थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर नीचा करने वाली हरकत थी, पुलिस की संवेदनहीनता थी। ऐसी भीड़ पर शर्म, धृतराष्ट्र बनी पुलिस पर शर्म, उस सिस्टम पर शर्म जो अब तक खामोश बैठा हुआ है। जहानाबाद से रंजीत कुमार के साथ पुष्कर राज, APN पटना।